नमस्कार, मैं हूं सन्नी प्रजापति और इसमें वार्ड नंबर 14 से आशीर्वाद गार्डन में वार्ड नंबर 14 के कोने कोने से लोग इकट्ठा हुए और सुरभि गर्ग को बहुत भारी मतों से जीत दिलवाने का वादा किया। ये समर्थन या कहें कि विरोधियों के पसीने आज छूटने वाले हैं, क्योंकि आज जेजेपी और बीजेपी से बड़े बड़े चेहरे वोट मांगने के लिए सुरभि गर्ग के लिए मैदान में आ चुके हैं। देखिए पूरी रिपोर्ट। सबसे पहले तो आज दो राज्यसभा कृष्णलाल पवार जी और कार्तिकेय शर्मा जी विजयी हुए हैं, मैं दोनों को बधाई देता हूं। सभी विधायक जिन्होंने मतदान किया उनको बधाई देता हूं। हरियाणा की जनता का भी इस बात के लिए अभिनंदन करता हूं कि दो राज्यसभा के सदस्य आज हमने भेजे हैं। आज मैं नगर परिषद चुनाव के लिए कैथल में हूं। दिन में सुबह भेवा में था, बाद में जींद और हांसी भी जाने वाला हूँ। 34 स्थानों पर भारतीय जनता पार्टी सिंबल पर चुनाव लड़ रही है, कुछ स्थानों पर हमारी सहयोगी पार्टी जेजेपी चुनाव लड़ रही है। मैं हरियाणा की जनता से, नगरीय जनता से अपील करता हूं कि वो भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवारों को सफल बनाएं और ट्रिपल इंजन सरकार बनने से प्रगति तेज़ी से होती है, ऊपर की योजनाएँ जल्दी से लागू होती हैं। यहाँ पर कैथल में हमने सुरभि गर्ग जी को खड़ा किया है। वो बहुत ही अच्छे परिवार की लड़की है, अच्छी पढ़ी लिखी है, कंप्यूटर साइंस में MSc है। जनता का प्यार उसको मिल रहा है, तो मुझे पूरा भरोसा हो रहा है कि कैथल की जनता उसको ये चेयरपर्सन यहाँ का बनाएगी, यहाँ के विकास में और तेज़ी आएगी। हमारे मंत्री कमलेश ढांडा जी, विधायक लीलाराम गुजर जी और सारी टीम, अशोक गुजर जी, हमारे कैलाश भगत जी, सारी टीम, हमारे जेजेपी के साथी भी, रामदेव जी, माजराज वगैरह जी, ये सब जो है, धर्म सिंह माजराज भी लगे हुए हैं, उन सब का भी मैं जो है इस मौके पर कि वो जो परिश्रम कर रहे हैं उस परिश्रम के लिए उनको बधाई देता हूँ, उनकी प्रशंसा करता हूँ। आज काफ़ी जनता का प्यार, इस भरी दोपहर में जब बाहर मैं आया तो 44 डिग्री टेम्परेचर था और उसमें भी भोजन के समय भी जनता इतना प्यार उन्होंने दिया है, जनता का उमड़ा हुआ प्यार बता रहा है कि कमल के फूल को उनका आशीर्वाद है। धन्यवाद। राज्यसभा चुनाव के लिए आप सीखी स्थान को जा रही थी, क्योंकि भाजपा कांग्रेस दोनों निर्वाचन आयोग में, देखिए कुछ गलतियां जो हमको दिखाई दी थी उसकी शिकायत हमने की थी और उसका फैसला देर रात आया। अब जो फैसला आ गया वो सबको स्वीकार्य है और अब दोनों प्रत्याशी, एक हमारा समर्थित और एक हमारा अपना प्रत्याशी विजयी हुए हैं, तो अभी खुशी मनाने का वक्त। कांग्रेस सिंबल पर चुनाव नहीं लड़ रही है, कांग्रेस मैदान छोड़ के भाग गई थी बहुत पहले ही और वो जिस काम में लगी थी उसमें भी विफल हो गई, और विफल क्यों हुई है इसकी चर्चा भी आज कांग्रेस खेमे में है। जब व्यक्तिवादी राजनीति ज़्यादा प्रभावी होती है, जैसे अजय सिंह जी ने कहा, उसके दुष्परिणाम इस प्रकार के आया करते हैं, तो निश्चित रूप से मुझे लगता है कि कांग्रेस मंथन करेगी कि किस प्रकार से, जैसे सबका साथ लेकर चलने की राजनीति बीजेपी कर रही है, वो सबका साथ छोड़कर कुछ जगह केंद्रित हो रही है, उसके चैलेंजेस इस पार्टी के लिए अभी हैं। जो मुझे लगता है कि पूरे देश में जो कांग्रेस कमज़ोर हो रही है तो वो चैलेंजेस कांग्रेस के और बढ़ेंगे। मैं प्रणाम करती हूँ माननीय OP धनखड़ जी का, असीम गोयल जी का, हमारे अशोक गुजर जी, हमारे हैफेड के चेयरमैन श्री कैलाश भगत जी और मंच में बैठे हुए सभी सम्मानित वरिष्ठ नेताओं का, वो मेरा प्रणाम लीलाराम जी सभी को और सभी वरिष्ठ नेताओं और सम्मानित व्यक्तियों को मेरा प्रणाम, यहाँ बैठे सभी बुजुर्गों, माताओं, बहनों को मेरा बहुत बहुत प्रणाम और बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। आपने इतना भव्य स्वागत किया और आप यहाँ इतनी गर्मी में मेरे लिए आए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों से अपील करती हूँ कि आने वाली 19 जून को सुरभि गर्ग कमल के फूल पर ही बटन दबाइएगा और मुझे भारी मतों से विजय दिलाइएगा। आप सभी से वादा करती हूँ आपकी सारी समस्याओं को दूर करूँगी। आप लोगों की सेवा करना ही एकमात्र कारण है सत्ता में आने का। आप लोगों की सेवा तब तक करती रहूँगी जब तक उस कुर्सी पर बैठूंगी। आप लोगों की हर समस्या सुलझाने की पूरी कोशिश करूँगी। थैंक यू सो मच। और मैं कहना चाहूंगी कि जैसे इन सब ने कहा कि ट्रिपल इंजन की सरकार बनेगी तो काम जल्द से जल्द होगा, कैथल उन्नति के पथ पर जल्दी बढ़ेगा। कैथल को उन्नति के पथ पर ले जाने के लिए आप लोगों का आशीर्वाद और सहयोग चाहिए, इसलिए 19 जून को कमल के फूल पर ही बटन दबाइएगा। धन्यवाद। बड़ी मजबूती के साथ भारतीय जनता पार्टी का प्रत्येक कार्यकर्ता और जजपा का प्रत्येक कार्यकर्ता कैथल नगर परिषद भी और पूरे हरियाणा के चुनाव भी बड़ी गंभीरता से लड़ रहा है।
और ट्रिपल इंजन की सरकार बनाने के लिए प्रदेश की जनता भी लालायित है। हरियाणा एक बहुत जागरूक प्रदेश है, जागरूक लोग हैं, वो समझते हैं कि किस प्रकार से स्थानीय निकायों में किसकी सरकार को बनाने से हमें फ़ायदा हो सकता है। और कमल का फूल हरियाणा भर में खिलने जा रहा, कैथल में भी कमल का फूल खिलेगा शुभिग्रह के रूप में। हमारे समर्थी जो पार्षद के उम्मीदवार हैं उनकी भी जीत होगी और ट्रिपल इंजन की सरकार कैथल की जनता इस बार बनाएगी। रणदीप की सुरजेवाला की एंट्री हुई है राज्यसभा सांसद बनकर, वो कैथल में प्रचार के लिए उतरे, कहाँ देख रही हैं? देखिए बहुत शुभकामनाएं उनको, सांसद बन के आए हैं, लेकिन वो इंटरनेशनल नेता हैं, कैथल की जनता ने तो उनको पहले ही यहाँ से उनका इस्तीफा करवा के भेज दिया है, और ये राजस्थान से राज्यसभा चुन के आए हैं तो कैथल की जनता ने इनको पहले ही आशीर्वाद दे दिया कि आप कैथल से दूर रहें, राजस्थान जाएं, कर्नाटक जाएं, कहीं मर्जी जाएं। लेकिन अब कैथल को जो है सुरजेवाला साहब अपनी बातों में नहीं लगा सकते, लोग बड़े जागरूक। मुद्दे क्या रहेंगे सर चुनाव के? विकास और विकास और विकास। गोयल साहब, डबल इंजन की सरकार पहले ही विपक्ष कह रहा है कि डबल इंजन की सरकार पहले ट्रिपल इंजन के सपने देख रहे हैं, जब डबल इंजन की सरकार विकास नहीं करवा पाई, कैथल में जो मूलभूत सुविधाएं लोगों तक नहीं पहुंचा पाई है, मूलभूत सुविधाएं जो छोटे इकाई के नाते ही होती हैं, और किस प्रकार से उनके समर्थित चेयरमैन सब लोगों ने क्या धांधलियाँ यहाँ की हैं उसी का पर्दा खुलेगा। और डबल इंजन की सरकार ने 1,000 करोड़ रुपये का मेडिकल कॉलेज, अभी जस्ट मैं कहूँगा हफ्ता भी नहीं हुआ कि कैथल को एक नायाब तोहफा मिला है डबल इंजन की सरकार के नाते। ट्रिपल इंजन की सरकार आएगी तो और बहुत से विकास के काम जो कैथल के रुके हुए हैं वो सारे करवाने का। गोयल साहब, आप प्रभारी हैं, कितना आश्वस्त हैं भाजपा के प्रत्याशी की जीत को लेकर? देखिए मैं इतना आश्वस्त हूँ कि प्रत्येक कार्यकर्ता अपना 100% देकर इस चुनाव में लगा हुआ है, और कार्यकर्ता के पसीने से इस चुनाव का रंग बदलेगा। 100% कमल का फूल कैथल में खिलेगा, ट्रिपल इंजन की सरकार बने। क्या मुख्यमंत्री की आने की भी संभावनाएं रहेंगी सर? देखिए वो जो हाईकमान तय करेगा, लेकिन आज हमारे माननीय प्रदेश अध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़ जी आ रहे हैं, और आदरणीय MP नायब सिंह सैनी जी, आदरणीय विधायक लीला राम जी के नेतृत्व में चुनाव, जिला अध्यक्ष जी अपना अशोक जी और कैलाश जी के नेतृत्व में चुनाव लड़ा जा रहा है, और जब हाईकमान का आदेश होगा तो उनको भी बुलाएंगे।